अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बस मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने वेजिटेबल लेके आ गई थी और आधा आधा किलो फ्रेंच बीन थी, आधा किलो गाजर था और आधा किलो शिमला मिर्च थी। और ये मैं कुछ है ना पुदीने लेके आ गई थी। सबको मैं अच्छे से काट काट के बारीक बारीक रख दूँगी क्योंकि रमज़ान में जो होता है ना फ्रेंच बीन, गाजर और शिमला मिर्च है वगैरह ना ज़्यादा बहुत यूज़ होती है। चाहे हम चाइनीज़ आइटम बना ले, चाइनीज़ समोसे बना ले, चाइनीज़ रोल बना ले या कोई भी और चीज़ बना ले, कबाब बना ले, सब में लगता ही है वेज। लेकिन बारीक बारीक बार बार काटने का टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं अभी से आधा आधा किलो की क्वांटिटी में अलग अलग काट के उसको फ्रीज़र में रख दूँगी बारीक बारीक। जो पुदीने ना उसको भी मैं मतलब तोड़ के अच्छे से धो के और उसको मैं सुखा दूँगी पुदीने को। पुदीने क्या है ना, दो तीन दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। तो पुदीने जो मेरे होते हैं ना, जब हम मोजीटो बनाते हैं तब काम आता है डालने ऊपर, और अगर हम कुछ शरबत नींबू पानी बनाए तो भी मैं जो पुदीने का जो पाउडर सूख जाने के बाद मैं वो भी डाल देती हूँ ऊपर। देखिए ये भी गरम मसाले है, कुछ गरम मसाले का मैं पाउडर बना रही हूँ और जो आधे गरम मसाले हैं मैं इसे एक एक करके सारे डब्बों में भर रही हूँ। जो डब्बे मेरे पास खाली हो जाते हैं, पीनट बटर के डब्बे हो गए या कोई जैम के डब्बे हो गए, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ क्योंकि रमज़ान में जितने डब्बे होते हैं ना वो भी कम पड़ते हैं हमको। इसे जो छोटे मोटे डब्बे होते हैं मैं इसको धो के रख लेती हूँ और फिर इसको सुखा लेती हूँ, और फिर चाहे गर्म मसाला भरना हो, चाहे एक्स्ट्रा के जो मसाले पीसते हैं वो भरना हो, मुझे डब्बे एक्स्ट्रा से बाय नहीं करनी पड़ती। मैं जो घर के डब्बे होते हैं पीनट बटर के जैम के, उसी में इसको स्टोर कर लेती हूँ। और ये गरम मसाले जो है मैं एक एक करके सब भर रही हूँ। मैं मैदा भी ले आई थी, 2 किलो के अच्छे पराठे बनते हैं रमज़ान में, कुछ समोसे के समोसा बनाते हैं उसके लिए कवर के लिए लगते हैं, तो मैं 2 किलो मैदा भी ले आई थी। और मैदा जो है ना उसमें मैं अखी लाल मिर्ची और जो तेज़ पत्ते आते हैं वो डाल के भर रही हूँ ताकि उससे बारीक कीड़े ना आए। और क्योंकि ना 2-4 दिन में मैदा ख़त्म नहीं होता, टाइम लगता है उसको, पड़ा रहता है वो, इसीलिए इसको मैं तेज़ पत्ते में मिर्ची डालकर रखती हूँ ताकि बारीक कीड़े अनाज के ना आए। और मैंने कसूरी मेथी जो कांच की बोतल है मेरे जैम की, देखिए वो खाली हो गई थी, मैं धो के सुखा दी, उसमें मैं कसूरी मेथी भी भर दी। जो खाली बोतल होती ना उसको रख लेते हैं, बहुत अच्छे से काम आती है वो। अरे गाजर वगैरह बारीक बारीक काट के दिखा देती हूँ आपको, सब मैंने बारीक बारीक काट ली हुई अच्छे से, फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च सब मैंने अच्छे से बारीक काट ली हुई। अब मैं पॉलीथीन में जाती हूँ जिपलॉक बैग, इसमें भर भर के उसको फ्रीजर कर दूँगी ताकि ये मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं निकाल लेती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं सारी चीज़ें धो के सुखाने रख दी थी। मेरे पास ना एक ड्रम है ग्रीन कलर का ऐसा, ये बड़ा, तो मैं इसमें ना एक्स्ट्रा जो मेरी ग्रोसरी होती है ना जो मैं डेली में यूज़ होती है रमज़ान के लिए, मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ना मुझे रमज़ान में ऐसी ढूंढनी नहीं पड़े और मुझे आसानी से इसे एक ही चीज़ में सब मिल जाती है, इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो मैंने इसको धो के अच्छे से सुखा ली थी ताकि बिल्कुल गीला ना रहे, और गीला होगा ना तो कीड़े बारीक बारीक पड़ने लगेंगे, इसलिए मैं तो अच्छे से धो के सुखाई थी धूप के अंदर। और अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा की जो मेरी ग्रोसरी है जो मुझे रमज़ान में यूज़ होती है डेली बेसिस पे, लेकिन उसकी बच जाती है, इसलिए मैं इसको इसमें रख देता हूँ, मुझे आसानी से एक साथ में सारी चीज़ें मिल जाए। क्या है ना रमज़ान अब गर्मी में आ रहा है और आप अनाज रखते हैं ना भर के, तो एक महीना रमज़ान पर चलता है, रमज़ान के बाद में चीज़ें बच ही जाती है, तो ये चीज़ें उसमें जो कीड़े होते हैं ना अनाज में बारीक बारीक काले कलर वो पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं उसके लिए क्या करती हूँ, जो ड्रम धो के अच्छे से सूखा कर लेती हूँ बिल्कुल भी गीला ना रहे, और उसके बाद मैं इसके अंदर नीचे जो है ना वो नमक उछाल लेती हूँ, नमक बिछाने के बाद सारी चीज़ें डालती रहती हूँ और बीच में ये तेज़ पत्ते के पत्ते जो अच्छी लाल मिर्ची है वो डाल देती हूँ। इससे ना आपका जो ये सामान है ना वो 2-3 दिन में आराम से चल जाएगा और बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। मैं नमक बिछा रही हूँ इसमें नीचे अच्छे से ऐसा फैला रही हूँ, डाले पर्सेस जो है वगैरह मैं इसके अंदर रखती हूँ। ये क्या करेंगे, हम ये जो पत्ते और ये है ना इसे अच्छा साइड साइड में डाल देंगे अच्छे से, ताकि ये जो हमारे कीड़े जो अनाज की कीड़े हैं उसको हमारे मसालों में और हमारे अनाज में एंट्री ना। ये जो पुदीने ना मैंने अच्छे से धो के कॉटन कपड़े में बिछा दी हूँ और उसको मैं अच्छे से पोंछते जाऊँगी ताकि ये अच्छे से जल्दी सूख जाए, क्योंकि रमज़ान के जो है ना वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग जो है प्लीज़ रमज़ान प्रिपरेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले अल्लाह हाफिज़।